नमस्कार, सी न्यूज भारत के इस न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। इस बुलेटिन में बात होगी आगरा मालवा में अवैध राशि मांगने पर बीएमओ पर लगाए गए आरोप की, बरनपुर में उपभोक्ता अधिकारी संगठन पदाधिकारियों के नगर निगम महापौर से मिलकर आयुक्त को दिए गए विशेष ज्ञापन की, और सीहोर में बिजली विभाग में जबलपुर लोकायुक्त के मारे गए छापे की, ऐसी तमाम खबरों की बात होगी इस बुलेटिन में। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। खबर आगर मालवा से, जहां निजी क्लिनिक संचालकों के द्वारा जिला मुख्यालय स्थित मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में सीएमएचओ डॉक्टर राजेश गुप्ता को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि सुसनेर बीएमओ डॉक्टर राजीव बरसाना के द्वारा अवैध राशि की मांग की जा रही है। मांग पूरी नहीं करने पर क्लिनिकों पर जाकर कार्यवाही की जा रही है, जिसको लेकर निजी क्लिनिक संचालकों के द्वारा अपने क्लिनिक का कार्य बंद कर प्रदर्शन किया गया। वहीं इस मामले में सुसनेर बीएमओ डॉक्टर राजीव बरसाना का कहना है कि मुझ पर लगे समस्त आरोप निराधार हैं। निरंतर कई लोगों के द्वारा शिकायत की जा रही थी कि निजी क्लिनिक संचालकों के द्वारा मनमाना परामर्श शुल्क वसूला जा रहा है। इनके पास क्लिनिक संचालन करने का लाइसेंस भी नहीं है, जिसके चलते ये कार्यवाही की गई। कार्यवाही करने पर क्लिनिक संचालकों के द्वारा आरोप लगाया गया कि पूरे मामले में सीएमएचओ डॉक्टर राजेश गुप्ता का कहना है कि इस पूरे मामले की जांच की जाएगी, जांच उपरांत कार्यवाही की जाएगी। करीब करीब 20 से 25 प्राइवेट चिकित्सक मेरे पास में आए थे, उन्होंने मुझे ज्ञापन दिया है और उन्हें उसमें स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया है कि हमसे अवैध रूप से वसूली की जा रही है और हमें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। तो ऐसे चिकित्सक और ऐसे दल के विरुद्ध कार्रवाई करने की उन्होंने मांग की है, तो ज्ञापन दिया है, हम कार्रवाई करेंगे निश्चित रूप से। बिल्कुल निराधार है, मेरे पास लगातार शिकायतें मिल रही थी, लिखित में भी सूचनाएँ आई हैं मेरे पास, जिसको मैंने सीएमएचओ साहब को फॉरवर्ड किया है। इनकी कल क्लिनिक की मैंने जाँच की, मेरे पास सूचना आ रही थी कि ये अवैध रूप से चल रही है, पत्रकारों के माध्यम से भी, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से भी और आमजनों के माध्यम से भी। इस कारण मैंने दो क्लिनिक को कल चेक किया तो दोनों ही अनरजिस्टर्ड पाए गए, उनके पास कोई कागज नहीं है, जिले कार्यालय से कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया। ये गलत आरोप इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमने इनकी चेकिंग की, ऐसा कुछ भी नहीं है, निराधार है। चेकिंग के दौरान इनके मरीजों को ट्रिप लगाते हुए पाए गए, जो बीएमएस डॉक्टर हैं, जबकि बीएमएस पद्धति से उन्हें करना चाहिए और उनका रजिस्ट्रेशन भी नहीं था। और दूसरा चिकित्सक के पास जीएनएम की डिग्री थी, जीएनएम की जो रहती है, और उसके द्वारा वो क्लिनिक संचालित कर रहे थे, आईवी ट्रिप लगा रहे थे, सभी काम कर रहे थे। तो थोड़ी बहुत दवाइयां भी मिली हैं जो जब्त की हमने, जिला कार्यालय को भेजेंगे, फिर आधार है। आगर मालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। खबर बुरहानपुर से, जहां उपभोक्ता अधिकार संगठन के पदाधिकारियों ने उपनगर लालबाग शिवाजी नगर वार्ड क्रमांक 47 की शिकायत को लेकर नगर निगम महापौर से मिलकर आयुक्त को ज्ञापन दिया। शिवाजी नगर वार्ड की 50 से अधिक महिलाएं और संगठन के पदाधिकारियों ने नगर निगम महापौर के पास अमृत जलधारा योजना की शिकायत रखी। संगठन पदाधिकारी प्रीतम महाजन ने कहा कि शिवाजी नगर वार्ड में अमृत जलधारा योजना के पानी शासन के द्वारा हर घर नल में सुबह छोड़ा गया, जो पीला और बदबूदार आ रहा है। बुरहानपुर में इस समय मई माह में 44 से 45 डिग्री की गर्मी चल रही है, बच्चे बूढ़े सभी परेशान हैं। दूसरी ओर ऐसा पानी लोगों को गंदे में रहने के लिए मजबूर कर रहा है। बुरहानपुर से सीनियर संवाददाता अनिल महाजन की रिपोर्ट। खबर कैमूर से, जहां कैमूर जिले के रामपुर प्रखंड अंतर्गत करमचट थाना अध्यक्ष विकास कुमार के कुशल नेतृत्व में आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को ध्यान में रखते हुए एसएसबी सीमा सुरक्षा बल के साथ ग्राम सबार, अमाव, आमदापुर, इब्राहिमपुर, लेवा बांध तक फ्लैग मार्च निकालकर मतदाताओं को भयमुक्त होकर अपना मतदान अवश्य करने का संदेश दिया गया। थाना अध्यक्ष विकास कुमार ने बताया कि थाना क्षेत्र के सभी मतदान केंद्रों पर पुलिस के जवान तैनात रहेंगे, इसलिए निर्भय और निसंकोच होकर अपना मतदान जरूर करें। असामाजिक तत्वों के ऊपर प्रशासन के द्वारा कड़ी नजर रखी जाएगी। अगर कोई भी व्यक्ति लोकतंत्र के इस महापर्व में माहौल बिगाड़ने का प्रयास करता है तो उसे तत्काल प्रभाव से जेल भेज दिया जाएगा। कैमूर से सीनियर संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। खबर रामपुर से, जो एमपी एमएलए विशेष अदालत ने रामपुर के डूंगरपुर में जबरन घर खाली कराए जाने, लूटपाट करने और घर को तोड़ने के मामले में आजम खान को दोषी करार दिया है। हालांकि अदालत ने अभी सजा का ऐलान नहीं किया है, जो कि संभवतः अदालत इस मामले में आने वाले दिनों में सजा सुनाएगी। इस पूरे मामले में जिला शासकीय अधिवक्ता एमपी एमएलए कोर्ट सीमा राणा का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं।
डूंगरपुर का एक मैटर जो दर्ज था 2019 में दर्ज कराया था वादी अवरार के द्वारा, इसमें आज सेशन कोर्ट विशेष न्यायाधीश MP MLA की कोर्ट से फैसला आया है जिसमें आजम खां और बरकत अली ये जो दो अभियुक्त हैं इनको दोषी करार दिया गया है और जो दोषी करार हुए हैं ये सेक्शन 392, 452, 504, 506, 120 भी में हैं, इनको गिल्टी होल्ड कर दिया गया है। बाकी जो सजा है उस पर कल सुना जाएगा। ये जो मामला था ये जो वादी अवरार है इनके द्वारा एक मुकदमा पंजीकृत कराया गया थानागंज पर 2019 में 6/12/16 की घटना को लेकर, जिसमें आरोप लगाए गए कि उनके घर में घुसकर जो अभियुक्तगढ़ हैं इनके द्वारा जबरन घर में घुस के मारपीट की गई, गाली गलौज की गई और जान से मारने की धमकी दी गई और घर का सामान तोड़फोड़ करके उसमें लूटपाट की गई और मकान को बुलडोजर से तोड़ दिया गया, ये इनके आरोप लगाए गए थे जिसमें आज माननीय न्यायालय ने आरोपों को साबित पाया है और इनको दोष सिद्ध किया है। कितने लोगों को दोष करार दिया? ये जो ट्रायल चल रहा था इसमें मोहम्मद आजम खां, बरकत अली ठेकेदार और आली हसन तीन लोगों के अगेंस्ट ये ट्रायल था, लेकिन 20/5/24 को जो आली हसन है इनकी पत्रावली अलग कर दी गई थी और वर्तमान में जो फैसला आया है वो दो लोगों के अगेंस्ट आया है, आजम खां और बरकत अली ठेकेदार। सीओ आले हसन की पत्रावली जो अलग की गई माननीय उच्च न्यायालय से, उनकी जो कार्यवाही है उस पर रोक लगा दी गई थी अग्रिम आदेश तक, तो इसलिए उनकी पत्रावली अलग कर दी गई थी। रामपुर से सीनियर संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। खबर नरसिंहपुर से, जहां बिजली विभाग में जबलपुर लोकायुक्त का छापा पड़ा और बड़ी कार्रवाई हुई। बता दें कि DSP सुरेखा परमार के नेतृत्व में लोकायुक्त की टीम ने छापेमारी की। इस दौरान आवेदक का कहना है कि रात्रि 4 बजे के आसपास बिजली विभाग के नागेंद्र सिंह केदार पटेल के खेत में पहुंचते हैं और मीटर से कनेक्शन निकाल कर उसे कैसे बना देते हैं चोरी का, फिर ऑफिस में बुलाते हैं और 25,000 रुपये की मांग करते हैं और 50 से 50,000 रुपये तक का चालान और 20-20,000 रुपये अलग अलग से दिए और अगर पैसे नहीं देते तो 1.5 लाख के चालान करने की धमकी दी जाती थी। इससे परेशान होकर केदार पटेल ने लोकायुक्त को सूचना दी जिसके बाद ये कार्यवाही की गई है। लोकायुक्त को आपके द्वारा शिकायत की गई थी कि आपसे जो है पैसे की मांग की जा रही, किस संबंध में मांग की जा रही थी? मेरे 3 कनेक्शन है रानी पिपरिया हार में, अटल ज्योति से कनेक्शन है, तो ये लगातार करीब 8-10 महीने से हम परेशान कर रहे हैं। 4 बजे रात के जाते हैं जो 2-3 लाइनमैनों को लेके और मीटर से लाइन चलती है तो उसको डायरेक्ट करके और ऑनलाइन ये उसमें चार्ज बना देते हैं। इसके बाद हमको बुलाते हैं और यहाँ पैसा लेते हैं, कहीं 20,000 कहीं 25,000 कम चार्ज करेंगे, नहीं बोलते हम 1.5 लाख रुपये चार्ज करेंगे। तो जो आपसे चार्ज की कहते थे वो कौन से अधिकारी थे और फिर कार्रवाई के दौरान क्या समझ में आया लोकायुक्त को? ग्रामीण में रूरल में जो है नागेंद्र सिंह जो सहायक अभियंता की जगह है जूनियर इंजीनियर संविदा वाले, तो ये चार्ज में है वहाँ के चार्ज में है। तो इनने क्या किया, वहाँ हमारी जो लाइन है चल रही है जहाँ जो हमारा अटल ज्योति का कनेक्शन आया उसके नीचे से LT लाइन गई है ग्रामीण लाइन, तो उस LT लाइन में उसका कनेक्शन करके और उसको पूरी अटल ज्योति बना दी, कम से कम 100 कनेक्शन जो चलवा रहे, जिसकी शिकायत हमने इनसे कही गया तुम वहां जाके पकड़ो 100 कनेक्शन चल रहे। कितने पैसे का केस बनाया था, कितने पैसे मांग किए? 20,000 की मांग की, पैसे देने के लिए आप आए? 20,000 रुपये की मांग की थी, फिर 10,000 रुपये आज दिए हैं। आप लोकायुक्त कार्रवाई से संतुष्ट? बिल्कुल संतुष्ट, लोकायुक्त कार्रवाई से बिल्कुल संतुष्ट। क्या नाम है? केदार पटेल, ग्राम मगरदा निवासी। शिकायतकर्ता केदार पटेल, ग्राम मगरदा, जिला नरसिंहपुर के। उन्होंने लोकायुक्त को शिकायत की थी कि जूनियर अभियंता ग्रामीण क्षेत्र नरसिंहपुर जो नागेंद्र सिंह है वो उन्होंने इनके 2 मीटर थे खेत में जाकर उनको देखकर और ऑनलाइन डायरेक्ट उनका बिजली चोरी का केस बना दिया था और केस को रफा दफा करने के लिए 1.5 लाख का उसमें जुर्माना है, तो इस रफा दफा करने के लिए इन्होंने 20,000 की मांग की थी नागेंद्र सिंह ने। और बातचीत मतलब उनके बीच में जो भी तय हुआ हो, 20,000 की डिमांड थी लेकिन आज 10,000 रुपये लेते हुए लोकायुक्त ने रगे हाथों पकड़ा।
मैम क्या समझ में आया कार्रवाई के दौरान कि कुछ अधिकारियों से बातचीत हुई है क्या यहाँ? नहीं, अधिकारियों से कोई बातचीत नहीं हुई है। हमारे साथ में होते हैं जो अधिकारी, वो हमारे साक्षीगण होते हैं। मैडम ये नागेंद्र पटेलिया ने कुछ ऐसा कुछ बनाया कि कोई और इनके ऊपर सक्षम अधिकारियों के लिए रिश्वत ली थी कि इन्हें स्वयं अपने लिए? नहीं, इस तरह की कोई जानकारी नागेंद्र सिंह के द्वारा नहीं बताई गई कि, और ना ही उससे बातचीत करने पर पूरे उसमें विवेचना घटनाक्रम में कहीं पर भी यह तथ्य नहीं आया है कि इसमें और भी कोई इन्वॉल्व है। ये हमेशा कार्यवाही करप्शन एक्ट में होती है, धारा 7, 13(1)(b) और 13(1)(2). मैम क्या नाम है? मैं सुरेखा परमार, DSP जबलपुर लोकायुक्त। सीहोर से सीनियर संवाददाता विनोद की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।